नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, न्यू ईयर 2022 इसके कुछ वास्तु टिप्स मैं आपको बता रहा हूं। इनके अनुसार नए साल को बेहतर बनाने के लिए लोग न जाने कितने ही उपाय करते हैं। साल 2022 को आने में अभी कुछ ही समय बाकी बचा है। ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में कुछ चीजों को जगह देते हैं तो इससे आपके किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास हो सकता है। लेकिन इन चीजों को आपको नव वर्ष शुरू होने से पहले अपने घर ले आना होगा। वैसे अगर नव वर्ष शुरू होने के 2-4 दिन बाद में भी लाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ला सकते हो। न्यू ईयर 2022 वास्तु टिप्स में नए साल से हर किसी को बहुत सारी उम्मीदें रहती है। हर कोई चाहता है कि आने वाला नया साल न केवल उनके लिए खुशियां लेकर आए बल्कि पुराना होने के बाद भी उनके घर में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखे। इसी उम्मीद के साथ लोग आने वाले साल को बेहतर बनाने के लिए न जाने कितने ही उपाय करते हैं। साल 2022 को आने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में अपने घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने और किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए नए साल से पहले अपने घर में कुछ चीजों को जगह दे सकते हैं। अब वास्तु शास्त्र के अनुसार किन चीजों को लाने से किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं, देखिए दोस्तों। पहली चीज उनमें आती है धातु का कछुआ। बहुत लोग अपने घर में कछुआ रखते हैं लेकिन ज्यादातर वो मिट्टी या लकड़ी जैसी चीजों से बना हुआ रखते हैं। घर में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने के लिए आप घर में धातु से बने हुए कछुए को जगह दे सकते हैं। नया साल शुरू होने से पहले आप पीतल, कांसे या चांदी से बने हुए कछुए को अपने घर लाएं, यह आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने में मदद करेगा। चांदी का हाथी भी आप नव वर्ष शुरू होने से पहले अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन ये चांदी का ठोस हाथी होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसका बेहद अच्छा प्रभाव घर पर होता है और राहु व केतु का बुरा प्रभाव समाप्त होने लगता है। इसको घर में रखने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है और नौकरी में तरक्की होने लगती है। इसके साथ ही घर में शांति व सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, तीसरी चीज है मोरपंख। मोरपंख को भी आप नया साल शुरू होने से पहले अपने घर में रख सकते हैं। मोरपंख को बेहद शुभ और चमत्कारिक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर में रखने से भाग्य के मार्ग में आने वाली सभी दिक्कतें दूर हो जाती है। पर एक साथ कई मोरपंख रखने की जगह 1 से 3 मोरपंख ही रखना ज्यादा बढ़िया रहता है। मोती संख को भी आप नए साल से पहले अपने घर में जगह दे सकते हैं। मोती संख को विधि विधान के साथ पूजन करके तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रखने से घर में धन संपदा का वास रहता है। इससे बिजनेस और नौकरी में तरक्की होती है और धन लाभ होता है। तोते का चित्र या मूर्ति को भी आप अपने घर में जगह दे सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तोते की तस्वीर को उत्तर दिशा में लगाने से घर में खुशहाली आती है, साथ ही बच्चों का इंटरेस्ट भी पढ़ाई के प्रति बढ़ता है और किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो ऐसे ही आपके पास तुरंत सेवा करने पहुंच सके। जय श्री कृष्णा मित्रों।